सेना की भर्ती हो और भावी सैनिकों से बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखें, ये छठवें दिन की भर्ती में सम्मिलित हुए युवा अभ्यर्थी हैं जिनके चेहरों पर एक अलग ही तेज झलक रहा है। वास्तव में ये ही असली धन है हमारे देश का। ये वे युवा हैं जिनको सेना ने प्रारंभिक परीक्षण में शारीरिक रूप से काफ़ी सक्षम माना है। अभी इनके काफ़ी परीक्षण और चलने हैं, इस मध्य हम इनसे ये बातचीत कर रहे हैं। और थोड़ा सा आपसे बातचीत करते हुए, आप जरा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आपसे हम पूछें, तो आप कहाँ से आए हैं? पलावा से, तहसील सादाबाद से। सादाबाद से है ना जी। तो आप आज कैसा फील कर रहे हो दौड़ को पास करके? बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं। और आगे की आपकी क्या उम्मीदें हैं? लगने की उम्मीदें, लग जाए तो सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, और बाई चांस आपकी उम्मीद ये पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे आप? फिर और करेंगे सर। क्या करेंगे? चलो तैयारी और करेंगे। तैयारी और करेंगे, मतलब सेना में ही आएंगे? सेना में आएंगे सर। है जी सर। हाँ, आप बताओ, खड़े होके बताओ। मैंने सर दो बार पहले सेना में भर्ती दे चुका हूँ, फाइनल मेड में रह गया हूँ मैं। अच्छा। दोबारा फिर दोबारा लगाया रेस। अरे वेरी नाइस। मेडिकल में रह गया, फिर एक बार मेरिट में रह गया। हर बार एक्सीडेंट लगाता हूँ फर्स्ट का। अच्छा अच्छा, पहले किन किन कारणों से रहे थे? पहली बार रह गया था मेडिकल में, अब के फाइनल मेरिट में वेकेंसी थोड़ा कम आया इधर, इस वजह से रह गया मैं। अब से लगातार तीन साल से लगा रहा हूँ रोजगार के लिए जी। प्रयास जारी, मेरा प्रयास है, मैं सेना में भर्ती होऊंगा तो बस, केवल सेना की भर्ती करूँगा, बस सेना की करूँगा, केवल सेना ध्यान रखा है, मैं नहीं करूँगा सर। अच्छा। हाँ सर, तीन टाइम दौड़ता हूँ मैं सर। अच्छा, ये सेना में क्यों भर्ती होना चाहते हैं? सर मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ। आप देश की रक्षा करना चाहते जी? हो जी। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये देखिए, ये है ना सच्चा धन देश के, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं और सेना में ही भर्ती होना चाहते हैं। जी, मैं हाथरस के फादावा और बड़ा गाँव का रहने वाला हूँ, और तीसरी भर्ती है मेरी ये। जहाँ तक मैं लंबाई में फिट हो जाऊँगा, लेकिन 15 तारीख रुड़की में स्पोर्ट्स की भर्ती, वहाँ पर देखने के लिए जाऊँगा। मुझे सेना में ही रहना है, सेना की भर्ती करनी है और कुछ नहीं करना। और आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम सोहेल खान है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आर्मी में लग के देश की सेवा करना चाहता हूँ और मुसलमानों को जो बदनामी मिल जाए उसे कुछ बचाना चाहता हूँ। और वेरी नाइस, एक अलग, और मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। कैंडिडेट, एक अच्छी भावना, देशभक्ति की भावना जो सबके अंदर होनी चाहिए। हिंदू न कोई, सिख न मुसलमान चाहिए, इंसान के रूप में बस इंसान चाहिए। दुनिया में जिसकी शान का डंका फिर से बज उठे, ऐसा महान मेरा हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान बन रहा है इन युवाओं से, ये युवा भर्ती हो रहे हैं देशभक्ति की भावना से, जो ओत प्रोत हैं सेना में आ रहे हैं। निश्चित रूप से जब ऐसे युवा आज की स्थितियों को देखते हुए अपने अंदर इस प्रकार की भावनाएं लेकर के सेना में भर्ती होने के लिए उत्सुक हैं, तो जब ये भर्ती होंगे तो हमारी देश की जो सीमाएं हैं वे वास्तव में और अधिक सुरक्षित होंगी और दुश्मन का हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।